नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं News4Nation। बिहार में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि मौसमविदों की तरफ से लगातार मौसम के मिजाज को लेकर सूचना दी जाती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ऑरेंज अलर्ट बिहार के अलग अलग जिलों के लिए अगले 48 घंटों के लिए जारी किया गया है। खास करके ये अलर्ट उत्तर बिहार के लिए है। इसके अलावा आपको बताते चले कि बिहार में मॉनसून की सक्रियता यूं ही बने रहेगी। लगातार मौसमविदों की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है। क्या आपको जानकारी है किस तरह रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज, आपको बताते हैं। बिहार में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटों के लिए राज्य में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह जिले ज्यादातर उत्तर बिहार के हैं। इन जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश के पूर्वानुमान बताए गए हैं। मानसून की टर्फ लाइन यूपी से बिहार होते हुए बंगाल से असम तक जा रही है, जबकि एक दूसरी टर्फ लाइन उत्तर पूर्व बिहार से उड़ीसा तक दिखाई दे रही है। अगले 48 घंटे में राज्य के सभी जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात की तीव्रता ज्यादा रहेगी, इसलिए 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के जिन जिलों के लिए अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार शामिल है। इससे पहले शनिवार को भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण सबसे अधिक खतरा बिहार के उत्तरी इलाके के जिलों में है, जो पहले से ही बाढ़ की समस्या झेल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, नालंदा, रोहतास, नवादा, गया, जहानाबाद व आसपास के जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की या तेज बारिश हो सकती है। बिहार में पिछले 24 घंटे में उत्तरी भाग में बारिश हुई। माधवपुर में 60 मिलीमीटर, गलगलिया में 80 मिलीमीटर, भीमनगर और बगहा में 110 मिलीमीटर, बैरगनिया, नरपतगंज, जयनगर, माधवपुर में 60 मिलीमीटर, बीरपुर में 180 मिलीमीटर, तैयबपुर में 130 मिलीमीटर, गोनाहा और ठाकुरगंज में 10 मिलीमीटर, सुरसंड, सोनबरसा और ढेंगब्रिज में 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश झमाझम दर्ज की जा रही है और मौसमविदों की तरफ से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों के लिए चेतावनी जारी की जा रही है। इसी कड़ी में अगर हम अगले 48 घंटों की बात करें तो बिहार के उत्तर क्षेत्र के जो जिले हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, किशनगंज, गोपालगंज, अररिया, रोहतास, नवादा, अरवल, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ राजधानी पटना से सटे फतुहा, इसके अलावा अगर हम बात करें बाढ़, इन जिलों के लिए भी अलर्ट है। यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में News4Nation भी आपसे यही अपील करता है कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसमविदों की तरफ से लगातार उस बात की चेतावनी दी जा रही है। वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में कोरोना का कहर और आसमान से बरसते इस आफत से खुद को बचाने के लिए सबसे सटीक उपाय अपने आप को घरों में बंद रखना ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें News4Nation के साथ। नमस्कार।